मैं उषा शर्मा, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बता रही हूँ इंस्टेंट इडली। अगर आप रात को दाल चावल ना भिगो पाए तो ये मैंने मॉर्निंग में ही भिगोए हैं, तो ये एक कटोरी चावल है और ये वही कटोरी आधी दाल, दाल फूल करके डबल हो जाती है और चावल फूल करके कम रहते हैं, तो दोनों की क्वांटिटी फूल करके इक्वल हो जाएगी। फूलने के बाद दाल और चावल बराबर हो जाएंगे। मैं इसको पीस करके पेस्ट बना लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये पेस्ट बना लिया है, देखिए इतना गाढ़ा हमारा पेस्ट आया इडली का। और अब मैं इसमें आधा कटोरी दही डालूंगी, एक टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे और दो पाउच इनो के डालेंगे। जितना पेस्ट हमारा हाफ पेस्ट, आधी आधी कटोरी लेंगे तो हाफ एक पाउच डलेगा। ये मैंने यहाँ दो पाउच यूज़ किया है क्योंकि मेरा एक एक कटोरी है। इन सबको हम मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से, इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। इस तरीके का ये दिखने में हो जाएगा। ये देखिए ऐसा होना चाहिए, देखिए चेंज हो गया ना। अब मैंने ये प्लेट्स को ग्रीस कर लिया है और ये भाप के पानी भगोने में रख दिया है उबलने के लिए थोड़ा सा। अब हम इस पेस्ट को प्लेट्स में डालेंगे। फ्रेंड्स, देखिए मैंने इडली के सांचे को भगोने में रख दिया है। अब 15 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे, इसको भाप में पकाएंगे, 15 मिनट बाद खोल के चेक करेंगे। फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको इडली बताई थी, दाल चावल भिगो करके 7 से 8 घंटे भिगो करके उसको पेस्ट बनाना है, फिर 7 से 8 घंटे तक खमीर उठाना है और तब स्पॉन्जी बनती है। यदि आप ना भिगो पाएँ तो जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ, मैंने सुबह ही ये दाल चावल भिगोए थे और फिर मैंने ये पेस्ट बना करके, प्रोसेस आपके सामने है। और इनो डालने के बाद, दही डालने के बाद इस तरह से जैसे खमीर के होने पर पेस्ट हो जाता है, सेम वही उसी टाइप से इडली बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट इडली स्पॉन्जी बनेगी। हमारे 15 मिनट हो गए हैं, हम इसको प्लेट को हटाएंगे और चेक करेंगे हमारी इडली तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी इडली निकाल लिए सांचे में से, देखिए हमारी इडली कितनी नरम स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको नई वीडियो और पहुंचा सकूं। इसके साथ हम सर्व करेंगे सांभर, सांभर के साथ हम इसे सर्व करेंगे। सांभर की रेसिपी मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।